हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। परमानेंट जो वैकेंसीज निकल के आई हैं आपकी एसोसिएट असिस्टेंट एंड प्रोफेसर की, पीएचडी आपकी मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्ट जो है आपके इसमें रिक्रूटमेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई डाउट ना हो आपको। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपकी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होगी। वैकेंट पोजीशन रहेगी वो 25 पोस्ट रहेंगी टोटल। तो कवर करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, बट चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी में देख ले आप, डिपार्टमेंट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं पोस्ट। प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी है, आगे फिर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स है, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिकल म्यूजिक वोकल में है, ग्राफिक आर्ट। इसी तरह आगे बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज देख लें, बंगाली है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। तो इसमें भी आप जो है कैटेगरी वाइज देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एजुकेशन। तो मैं इसी तरह चैनल पे जो भी आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आती है मैं डेली उसके नोटिस लेके आती हूँ, तो आप भी चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं लास्ट में वीडियोस डाल दूँगी जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की हैं। तो उसमें भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परमानेंट पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो वो भी आप लास्ट में चेक कर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर डेमोग्राफी, इटालियन, बॉटनी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वुडवर्क, क्लासिकल म्यूज़िक, संगीत की है इसमें, मणिपुरी की है, डिजाइन की है एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। तो आप इसमें लिख ले जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 25। मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिए, फिर भी आप एक बार फिर से गो थ्रू कर ले अच्छे से। और जिनके लिए ये है, जिनके सब्जेक्ट हैं, वो जल्दी से पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बट अगर आपको किसी भी स्टेट से परमानेंट पोस्ट निकल के आती है तो उसके लिए जरूर से अप्लाई करें। ये ना सोचिए कि अदर स्टेट्स में है या दूर है, जहाँ कहीं भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन हो तो प्लीज़ आप अप्लाई करें। आगे बात करते हैं सेंसर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और स्केलों पे प्रोफेसर की देख लें आप। तो यहाँ पे एकेडमिक लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अच्छी बनेगी। अदर अलाउंस ऐड करके जो पर मंथ आपको बढ़िया सैलरी मिल जाएगी। आपको पता है जैसे प्रोफेसर की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कुछ जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं भी मांगते हैं ये देख ली, डिजायरेबल है बट ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ भी देख लिया। अब आगे बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की क्या रहेगी इसमें आपको वैकेंसीज। तो इसमें जो आपकी स्केलों पर रहेगी अकेडमिक लेवल 38 के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी अदर अलाउंस ऐड करके आपकी पर मंथ अच्छी खासी सैलरी बनेगी। पीएचडी डिग्री चाहिए विद मास्टर डिग्री 55% मार्क्स एंड सम एक्सपीरियंस मांगा होता है इन्होंने, मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स। मेन जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, चलिए उसमें बात करते हैं। जो न्यू सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है उसको इसमें जो है लागू करके रखा है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। पे स्केल इसकी भी अच्छी खासी रहेगी 57,700 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। असिस्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स और आपको पता है कि आपके पास जो है नेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लें और हु आर हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री तो और में है, तो आपको मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसमें जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। बस जिन स्टूडेंट के पास नेट सेलेक्ट या सेट नहीं है, यदि पीएचडी है और जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट है इनको आप फुलफिल करते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले कैंडिडेट भी। आगे बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जो है आई थिंक कुछ वैकेंसीज के कुछ कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस वुमेन या कुछ नहीं है, तो चलिए वो देख लेते हैं हम। पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन कहाँ से आई है, तो आपको नोटिफिकेशन आई है विश्व भारती शांति निकेतन। तो विश्व भारती शांति निकेतन से जो है आपको ये इम्पोर्टेंस जो आपको नोटिफिकेशन आके रखी है, तो इसमें आगे हम बात करेंगे जो कि आपकी इसमें लास्ट डेट क्या रहेगी और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह का सब कुछ देखते हैं। डिजायरेबल है आप सब्जेक्ट वाइज ये भी अच्छे से पढ़ लें क्या रहेगी, ऐसे इन्होंने हर सब्जेक्ट को दिया है। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, रिलैक्सेशन है कास्ट के लिए जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है वो भी आप अच्छे से पढ़ लें। तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा करें तभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी आपको डाउट ना हो। तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस यूनिवर्सिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ इन्होंने लिंक देख के रखा है, तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अकेडमिक लेवल 14 and 30 की रहेगी 2000 फीस एंड 10 की रहेगी 1600, तो फीस इनकी काफ़ी हाई है।
वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग फीस। तो इनको वुमेन के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए कोई फीस नहीं है। और साथ में जो SC ST कैंडिडेट के लिए उनके लिए जो है 25% जो है पे करनी है फीस, ओनली 25% ऑफ द अबव एप्लीकेशन फीस। तो आप देख लें वो कितनी बनेगी। जो भी है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको उसको फिलअप करके जो है इसमें आपको भेजना है। लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर, तो उससे पहले जो है आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप इनके लिंक के थ्रू विजिट इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, मेन जो इनकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी नोटिस यहाँ पे इनके आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसमें आप पूरे जो इनके जितने भी आपकी नोटिफिकेशन आई हैं जो न्यू है उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख लें जो एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे रहेगा जो ये है, और साथ में जो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के अलग से रहेगा। तो ये डाउनलोड करके आप फिल कर लें और अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, तभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो हम इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।